और लोग कमेंट्स भी करते हैं, लोगों से पूछते भी हैं वीडियोस में कि हैदर इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल देखो, कोशिश है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। मोमन मलक साहब इंडिया के अंदर काम तो कर रहे हैं, उन्होंने एक दावतनामा भेजा हुआ है, वो इधर बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अंसार बनी साहब है, शायद भाई है, हम लगे हुए हैं। तो मोमन मलक साहब भी कल परसों तक नेपाल था, जैसे उन्होंने कहा कि नहीं अपडेट दूंगा इंशाल्लाह तो आपको फिर आना पड़ेगा। आपको पता है इतना जल्दी काम नहीं हो रहे हैं कि 10 जून का अगर आप नहीं पहुंच सका तो कोई मुश्किल नहीं है, बाद में भी आपको बुला लेंगे। तो थोड़ा सा काम ढीले हो रहे हैं सरकार की वजह से, कानून आपको पता है एक दूसरे के मुल्क के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम बैठ के शोशे छोड़ें अच्छी बात नहीं है। लोगों को एक क्लियर सवाल का जवाब देना चाह रहा था कि देखो आना तो है, 10 जून तक नहीं पहुँचा तो बाद में इंशाल्लाह, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, वीज़ा बनने में टाइम लग सकता है। आप लोगों को अपने जो है बात तक आगाही ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। जिस माँ बहन बेटी को पता नहीं है वो आपको पता है झूठी खबर भी बहुत चलते हैं, आज ये हुआ आज वो हुआ, क्या फ़ायदा झूठ फैलाने का, लोगों को गलत बताने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी होगा जो है हम ज़रूर बताएंगे को इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर कोई ना कोई रास्ता हल करेगा। देर तो हो रहा है, टाइम लग रहा है, मगर क्या करें, हुकूमती सतह पे काम ऐसे होते हैं, दो मुल्कों का मसला है। अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। हर माँ बहन बेटी जो हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, बाहर मुल्कों से देखा जाता है कि दुआ ज़रूर करना, उनको बेनकाब ज़रूर हो गया। वो आप लोग खुद देख रहे हो, अभी आंसू नहीं रुक रहे हैं इनका, अभी तो देखो एक सिर्फ आने की है। अगर हम आएंगे अदालतों में पेश होंगे और उनको आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तब क्या होगा। मुंह बोले को कह रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि अब जो है ना हिम्मत करो। आप लोगों ने जो जितना मेरे ऊपर जुल्म किया, बच्चों को अलग किया, आप अब सोच रहे हो कि शायद जो है ये हटेंगे। अभी सिर्फ हमारी आने की बात हो रही है, वो इतना कन्फ्यूज है, जब हम आकर पहुँचेंगे तो इनका क्या हशर होगा ये आप लोग खुद बेहतर जान सकते हो। यार कब तक सच को छुपाने के लिए कितना झूठ बोला जाता है, कितना भी झूठ बोलें असलियत के कोई किसी का नहीं छुपा सकता कभी भी। आप लोगों को पता है सिर्फ अभी आने का प्रोग्राम चल रहा है, अगर हम हिंदुस्तान के सरजमीन से पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल से जीते जी वो मर जाएंगे। लोगों को आना बेवकूफ़ बनाना, अभी हिंदुस्तान के पाकिस्तान के महिलाएं जैसे लेडीज है बहुत जो है समझदार हैं, तालीम याफ्ता हैं, हर किसी को पता है सच क्या है और झूठ क्या है, खूब जानते हैं। आप कब तक लोगों को गुमराह करोगे, कब तक झूठ बोला फैलाओगे, कभी भी नहीं। सब आपके जो है घिनौना हरकतों से वाकिफ हैं। और आप कह रहे थे कि रीमा रीमा लाइव आएगा, अपना आधार कार्ड अपने साथ रख के आपसे लाइव आएगा और आपको मुंह तोड़कर जवाब देगा, ये याद रखना। मैं आपको वाजे क्लियर बता रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि मेरी सीमा नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, ये हैदर नहीं है, अपना आधार कार्ड अपने साथ बिठा कर आपको बताएगा, बेटी अपना गोद में लेकर बैठ कर आपसे बात करेगा, तब आपको समझ में आएगा क्या सच है क्या झूठ है। कब तक हम आपके पास अपना सच्चाई बयान करें, हम रियल हैं, आप फेक हो, याद रखना। आप एक चोर हो, क्रिमिनल हो, डकैत हो, आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो आप जो है रो रहे हो, कभी किसकी तस्वीर पकड़ के हाथ में लग रहे हो, किसकी तस्वीर हाथ में पकड़े हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चोर छुपने के लिए हर रास्ता अपनाता है, आपको पता है, कोई भी क्रिमिनल हो और छुपने के लिए हर रास्ता अपनाता है, वही तुम कर रहे हो। आज किसका हाथ पकड़ रहे हो, परसों किसी का हाथ पकड़ रहे हो, क्या तस्वीर साथ में रख रहे हो, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या आप अभी तक भी आप लोगों के खूबी से क्या कहते हैं, मैं जो भी हूँ माँ हूँ, माँ ऐसे नहीं होते, याद रखना। मुल्क छोड़कर शोहर को धोखा देकर माँ बाप की कब्र तक भूल कर आप कह रहे हो कि आपको माफ़ किया जाएगा, किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा, ये वाजे कह रहा हूँ। हैदर अभी जिंदा है, सांसों में सांस है, मेरे लगते जिगर तुमने अलग करके आप सोच रहे हो, मैं भी एक तो माँ हूँ, माँ नहीं हो डैन हो, माँ ऐसा नहीं करता बच्चों के लिए कभी भी, ये मैं आपको सही सही बता रहा हूँ कि आप एक डैन हो, एक कालिक हो, एक औरत के नाम को तुमने बदनाम किया, आपको आपको कैफिय किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे अदालतों के अंदर। हर माँ बहन बेटी परेशान है, एक सदमे से गुजरते हैं, वो क्या ताना आते हैं, आप सीमा सा काम तो नहीं करके जाओगे, हर औरत के लिए एक दाग बन चुके हो आप, याद ना, हर औरत का जीना मुश्किल कर दिया तुमने। आप सोचते हो मुझे माफ़ किया जाएगा, कभी भी नहीं, किसी सूरत में भी आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। कैफिय किरदार तक इंडिया की अदालतों, रियल
जो है कानूनी कार्रवाई आपको करके जेल के हवाले करेंगे। सलाखों के पीछे सड़ता रहा तब आपको पता चलेगा। लाइव कह रहा हूँ, मुझे कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से फोन खातून के आते हैं कि हैदर भाई आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो, हमारा जीना हराम किया हुआ है। यार मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, हर औरत गलत नहीं हो सकता, औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है। एक घिनौना हरकत करके अपने चार बच्चों को लेकर इनलीगल गया, ऐसा मतलब नहीं है कि हर माँ बहन बेटी गलत है, कोई भी गलत नहीं है। जो गलत है तो उसको कैफी किरदार तक हम सब मिलकर उसको जो है सलाखों के पीछे लाएंगे, तब इसको पता चलेगा। इस टाइम हर जो इज्जतदार औरत है वो अपने घर से मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार रहा है, उनको शोहर क्या ताना देते हैं, आप सीमा जैसा काम नहीं करोगे। हमारे परदेश में कितने भाई हैं जिनकी बीवियां अपने मुल्क में हैं, अपने घर पे हैं, अपने एतमाद के साथ जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान से हों, पाकिस्तान से हों, कितनी फैमिलियां जो है उनका शोहर बाहर मुल्कों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सबके लिए तुमने एक दाग बना के आप सोच रहे हो कि आपको हजम किया जाएगा, कभी भी नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। हर माँ बहन बेटी आवाज़ को बुलंद करे और इसको सलाखों के पीछे आना चाहिए, तब पता चलेगा कि जो है आपने क्या काम किया, क्या कांड करके गए हो। तो आपको कैफिय किरदार तक ज़रूर पहुँचाना हर माँ बहन बेटी का फ़र्ज़ है। आप सोच रहे हो कि कल मुझे माफ़ किया जाएगा, किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। चार बच्चों को लेकर क्रिमिनल आके हमें मशूरा देता है एडवाइस में बैठ के, और जो है बोलते हैं मैं भी तो अच्छी माँ हूँ, आप घिनौना कालिक हो, माँ के नाम पे माँ को बदनाम कर रहे हो। कितनी खातून है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, पूरे मुल्क में देखा जाए, हर माँ पे एक दाग दे रहे हो। माँ ऐसे नहीं होता जो तू कह रहा है। इंशाल्लाह देखो, अल्लाह पाक से पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह काम हो सकें और हम जल्द जल्द से आ सकें। बाकी देखो कामयाब करने वाली ऊपर की ज़ात है, हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक जो है मोमिन मलिक साहब को जल्द से जल्द जो है तौफीक दे ताकि हम जो है इंडिया के अंदर आ सकें और अपनी बात रख सकें। कोशिश तो है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, मुसलसल जद्दोजहद है। आप भी दुआ करो, तमाम लोग जो साथ जुड़े होते हैं दुआएं करते हैं। हमारा हरगिज़ कोई झूठ फैलाना नहीं होता, जो फैमिलियां हैं तो हम जो भी बात है क्लियर से बता देते हैं। एक दावतनामा आया तो ज़रूर है, मगर वो अभी तक क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। जब वीज़ा आएगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों को खुद अपने गुलाम हैदर 9 चैनल पर ही आप लोगों को सबसे पहले जो है अपडेट मैं ज़रूर दूँगा। और इंशाल्लाह जो है अल्लाह पाक बच्चों के लिए ज़रूर बेहतरी करेगा, हमारी जो है मुश्किलें आसान होंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का अल्लाह एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाओ, लोग बाकी शोशे छोड़ दें, कोई किधर से उठा के उधर फेंक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आऊँगा अभी अपडेट ज़रूर दूंगा। आप लोगों को पता है अपने चैनल पे आप माँ बहन बेटी हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, हर जगह से देखा जाता है उनका। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह जो भी अपडेट आएगा गलत नहीं होगा। आपको पता है आजकल ज़्यादा झूठ चल रहा है, सच्चाई का वैल्यू कम है। जो झूठ फैलाते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, हम रियल खबर है। और इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, और जो जो है बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, फरहान खान हो, फरवा बतूल हो, फरिया बतूल हो, फरा बतूल हो, उनको हम जो है ला सकें। और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा, गिरेगा नहीं। सफा असल इटा थप्पा ना मारोगे नहीं, इटा बच्चा है इतना पानी फेंक रहे। तो इंशाल्लाह आप भी दुआ करना, जो हैं लोग नासाज़िश कोशिश कर रहे हैं उनको कोशिश करने दो, कामयाब करने वाला ऊपर की ज़ात है इंशाल्लाह। हर दर्द तकलीफ थोड़ा वक्ती तौर इंसान पे आते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वीडियो को आगे से आगे तक पहुँचाना आप हर माँ बहन बेटी का फ़र्ज़ है ताकि आला इदारों तक पहुँचे, जो इंडिया की आवाम तक पहुँचे, हम उनके ही पास ही आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखो अल्लाह पाक हमें कामयाब करे और जल्द से जल्द छोटे बच्चे हैं वो आ सकें हमारे पास। एक साल होने वाला है, इंडिया गवर्नमेंट को, इंडिया के जज साहबान को, एडुकेटों को, अच्छी अमां माँ बहन बेटी को, हर किसी को मैंने दिली जो है रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह हुकूमती काम है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, मगर नाउम्मीद कभी नहीं है, इंशाल्लाह जीत हमारी है। और
जल्द से जल्द जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर कामयाब करे। आप इस वीडियो को आए हैदर कब आ रहा है, तो इंशाल्लाह साहब नेपाल गया था, नेपाल से आया है मेरे ख्याल से, आज उनसे बात करके जो मजीद काम होगा हम आपको रियल बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से।